हेलो गाइस, ये है खूबसूरत छोटा सा पोनीटेल का पौधा। देखिए, हमारे पास कुछ बड़े पोनीटेल के पौधे भी हैं। जो ये छोटा सा पौधा है, ये जो है कटिंग से तैयार किया है। देखिए, जैसी छोटी सी जड़ है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे कुछ छोटे पौधे उग जाते हैं और उन्हीं से इसको काट के अलग कर देते हैं। चलिए आगे मैं आपको कुछ बड़े पौधे दिखाता हूँ। ये जो पौधा देख रहे हो, तकरीबन 8 साल पुराना है। इसको थोड़ा इंडोर में था ये, तो इसकी हाइट थोड़ी कम है अभी, लेकिन हमारे पास कुछ और पौधे हैं तो इससे ज़्यादा बड़े हैं और ये गमले में लगा रखा है। देखिए, ये है हमारे पास पोनीटेल का एक पौधा। तकरीबन यहाँ पे हमने गार्डन में 3 लगा रखे हैं और ये लगभग जो है 10 साल पुराना है। और ये भी थोड़ा सा इंडोर में आता है, मतलब इसमें दिन में थोड़ी ज़्यादा छाया रहती है। और लगभग ये बहुत बड़ा पौधा है। ये देखिए दूसरा गाइस, ये अमेरिका का नेटिव प्लांट है और मैंने कुछ पहले भी वीडियो डाली थी जो कि यूका प्लांट पे थी, वो भी इसकी फैमिली का पौधा है। ये देखिए, इसमें कुछ जो नई टहनियाँ आई है, इन्हीं से जो है आगे पौधे तैयार कर सकते हैं, इन्हीं की कटिंग से। देखिए कितनी सूखी जगह पे लगा, इसको पानी की बिल्कुल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इसका ये बल्ब है, इसी से अपनी पानी की कमी पूरी कर लेता है। ये देखिए एक और यहाँ पे प्लांट है हमारे पास। देखिए तकरीबन 7-7 फुट के पौधे हैं ये और बिल्कुल हरे भरे हैं। आप इसको इंडोर मत लगाओ, क्योंकि इंडोर में इसको जो है, मतलब इसको ज़्यादा धूप चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो वैसे इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं, देखिए इसी की जो टहनियाँ हैं इसको काट के हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो हम कुछ टहनी काटेंगे इसकी। तो गाइस, इसके लिए मैं एक शार्प ब्लेड का यूज़ करूँगा। ये देखिए, ये जो टहनी है इसको हम काटेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि थोड़ा इसको जड़ से काटना है। और हम कुछ 2-3 टहनियाँ ले लेते हैं इसकी। ये पूरे पेड़ पर काफ़ी लगी होती है गाइस। ये जो पौधा है, अगर सही कंडीशन में है तो लगभग 30 फुट तक इसकी हाइट बढ़ सकती है और लगभग 68 डिग्री फ़ारेनहाइट रेट पर इसका जो है सीड ग्रो करता है। बहुत ही गर्म इलाके से है ये। एक्चुअली जो है ये, इस पौधे की अगर केयर की बात करें तो इतनी ज़्यादा केयर नहीं है ये। ये एस्पराजासिया फैमिली का पौधा है, मैंने पहले कुछ वीडियो डाली थी। तो गाइस, हमारी जो कटिंग है ये बिल्कुल तैयार है। तो इन कटिंग को बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इस कटिंग को जो है पूरा जड़ से काटना है और इसी से इसकी जो है जड़ें आएंगी। तकरीबन कुछ ही महीनों में आप इसका बल्ब देख पाओगे। जो है इसकी थोड़ी आप पत्तियाँ काट दो तो बढ़िया से चलेगा। आप इसको 1-2 बार पानी डालेंगे तो हमारा पौधा जो है ये सही से तैयार हो जाएगा। देखिए, मैंने 3 कटिंग्स लगाई है। इस फैमिली में लगभग 3000 से ज़्यादा पौधे होते हैं। सभी पौधे जो है बहुत ही ड्राई और सूखे इलाके से हैं। अमेरिका का नेटिव प्लांट है ये, तो इसको जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी उतना ही सही से ग्रो करेगा। हमारे पास एक और छोटा सा पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वही पौधा है, इसको भी ऐसे ही कटिंग से तैयार किया था। लगभग 1 साल पुराना पौधा है ये, तो बहुत बढ़िया से ग्रो करेंगे हमारे दूसरे पौधे भी। देखिए गाइस, इसका भी बल्ब छोटा है तो धीरे धीरे ये जो है बढ़ता रहेगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ नाइस डे।